हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आप लाइक ऐप पर किस तरह से अपना खुद का ओरिजिनल म्यूजिक बना सकते हैं। फ्रेंड्स, कई लोग मुझे कमेंट आ रहे थे कि किसी भी म्यूजिक को आप मिक्स कैसे करेंगे, यानी कि फ्रेंड्स आज की स्टूडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि आप किस तरह से किसी भी दो तीन म्यूजिक को मिक्स कर सकते हैं। उसमें आप खुद का वॉइस भी लगा सकते हैं, आपको जो भी कॉमेडी वॉइस लगानी है वो लगा सकते हैं, जो भी साउंड इफेक्ट यूज़ करना है वो उस वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि आप किस तरह से इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप अपना खुद का म्यूजिक बनाते हैं तो फ्रेंड्स इससे आपका ही फायदा होने वाला है, क्योंकि उस पर कई बंदे आपकी म्यूजिक अगर अच्छी बनती है तो फ्रेंड्स कई बंदे उस पर वीडियो भी बनाएंगे और इससे आप ही फेमस हो रहे उस पर। और जब आप फेमस होंगे तो यार आपके खुद ही फैंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। आज की स्टूडियो आप लास्ट तक देखते रहेगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि आप किस तरह से एक अच्छा सा अपना ओरिजिनल म्यूजिक बना सकते हैं। अब इसके लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले आपको जो भी आपको बोलना है वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके रखना है। सबसे पहले आपको सिंपली अपने मोबाइल में रिकॉर्डर का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सिंपली रिकॉर्डर ऐप को ओपन करके आपको सबसे पहले रिकॉर्ड कर लेना है। आप जो भी बोलना चाहते हैं, बीच में जो भी कॉमेडी करना चाहते हैं, आपको सिंपली रिकॉर्ड करके रख लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अगर साउंड इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो आपको यूट्यूब से डाउनलोड कर लेना है। आपको सिंपली अपने यूट्यूब में जाकर आपको सिंपली सर्च करना है आपको जिसके भी साउंड इफेक्ट चाहिए, जैसे कि अमित बढ़ाना हो गया, आशीष चंचलानी हो गया या बीबी के वाइंस हो गया, आपको जिसके भी साउंड इफेक्ट चाहिए आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है। तो मैं एग्जांपल के लिए अगर अमित बढ़ाना के आपको चाहिए तो आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना होगा अमित बढ़ाना साउंड इफेक्ट। और आप जैसे इसे सर्च करते हैं तो आपको सबसे ऊपर ही मिल जाता है, आपको सिंपली इसे डाउनलोड करना है MP3 में। मैंने आपको पहले से इस वीडियो बना रखा है कि आप किस तरह से यूट्यूब की वीडियो को MP3 में डाउनलोड करेंगे। फिर भी एक बार बता देता हूँ कि आपको एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा, वो है स्नैपटू। स्नैपटू ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली थ्री डॉट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और आपको शेयर वाले पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपके मोबाइल में स्नैपटू इंस्टॉल है तो यहाँ पे आपको स्नैपटू का एक आइकन दिखेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको म्यूजिक ऑप्शन आ जाएगा, अगर आप म्यूजिक में डाउनलोड करते हैं या वीडियो में तो आप यहाँ से डाउनलोड कर देते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली म्यूजिक वाले पे क्लिक करके आपको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह से अगर आपको स्लैब का भी अगर जरूरत पड़ेगी बीच में तो स्लैब का भी साउंड इफेक्ट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके फ्रेंड्स आपको एक गाने को डाउनलोड करना पड़ेगा जो भी आप वीडियो में यूज़ करना चाहें, यानी कि आपका जो भी गाना यूज़ करना चाहते हैं, आप जिस पर भी एडिट करना चाहते हैं, आपको उस गाने को पहले डाउनलोड करके रख लेना है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स आपको एडिट करने के लिए आपको एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा, वो है कैनवास्टर ऐप। आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको कैनवास्टर ऐप को ओपन करना है। जब आप फ्रेंड्स कैनवास्टर ऐप को ओपन करते हैं तो इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली प्लस वाला आइकन पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से 9:16 का रेशो सेलेक्ट करना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको मीडिया वाले पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से कोई भी एक इमेज या बैकग्राउंड ले सकते हैं, बस सिंपली से आपको कोई भी एक इमेज या बैकग्राउंड ले लीजिए। लेने के बाद फ्रेंड्स आपको इसको जहाँ जितना बड़ा करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अगर आप 15 सेकंड की वीडियो बनाते हैं तो आपको सिंपली इसे 15 सेकंड तक ले जाना है। ले जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ तक छोड़ देना है। अब आपको फ्रेंड्स ऑडियो को मिक्स करना है, तो ऑडियो को मिक्स करने के लिए सबसे पहले तो आपको वो वाले ऑडियो लेनी पड़ेगी जो आप पहले रखना चाहते हैं। तो आपको सिंपली ऑडियो वाले पे आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ फोल्डर में मिल जाएगा, आपको जो भी फोल्डर में आपका म्यूजिक है आपको सिंपली उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स, मैं जैसे कि कोका वाला सॉन्ग ले लेता हूँ। अगर आपको इसे आपको सिंपली प्लस आइकन पर क्लिक करना होगा और आपको इसे ऐड कर लेना है। आपको सिंपली यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि अगर आप इस सॉन्ग में एक आता है पुराने वाला जो आता है और उसके बाद नए वाला आता है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, तो आपको सबसे पहले तो इस लेयर को और बड़ा करना है जहाँ तक ये म्यूजिक गया है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं यहाँ पे उस पार्ट को यहाँ पे कट करूँगा जिस जहाँ मुझे ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपको इस सॉन्ग में आपको जिस पार्ट का भी ज़रूरत है आपको सिंपली वहाँ से कट कर लेना है। जैसे अगर मुझे यहाँ से ज़रूरत है, जैसे अगर आपको यहाँ से ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से फ्रेंड्स वो वाला स्टार्ट है जो पुराने वाला है कोका वाला सॉन्ग, फिर फ्रेंड्स आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे ट्रिम और स्प्लिट का ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और आपको लेफ्ट साइड से यहाँ से कट कर देना है, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे लेफ्ट साइड की ज़रूरत अभी नहीं है। फ्रेंड्स आपको जहाँ तक की जरूरत है फ्रेंड्स आपको वहाँ वो वाले पार्ट आपको यहाँ पे लेनी है। जैसे अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की जरूरत है तो आपको सिंपली इसे भी इस पर क्लिक करना होगा और आपको ट्रिम में स्प्लिट का ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली स्प्लिट एट प्ले हेड पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ से बीच में से कट हो जाता है। फिर मुझे इसकी जरूरत थी और इसके बाद आगे भी मुझे जरूरत है, तो जहाँ तक की आपको जरूरत है आपको सिंपली उस पार्ट को ले लेना है और आपको सिंपली इस पर क्लिक करके अगर आपको राइट साइड से कट करना है पूरा तो आपको सिंपली यहाँ से क्लिक करना होगा, तो यहाँ से राइट साइड पर कट हो जाता है। फिर इसके फ्रेंड्स अपने हिसाब से म्यूजिक को कट करने के बाद आपको जैसे कर अगर आपको इस यहाँ से यहाँ तक की जरूरत नहीं है तो आपको सिंपली इसे हटा देना है। यहाँ से यहाँ तक हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर सीजर का ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से स्प्लिट एट प्ले हेड पर क्लिक करना होगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक पार्ट मुझे जरूरत नहीं है तो आपको सिंपली इस वाले लेयर पर क्लिक करना है और आपको यहाँ डिलीट का ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, तो आपको सिंपली शुरू में आ जाना है और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हट चुका है। फिर आगे हम आपसे शुरू में आ चुके हैं, अब आपको जिस जहाँ तक के पार्ट की जरूरत थी आपको सिंपली वहाँ तक का ले लेना है। तो मुझे तो 15 सेकंड की वीडियो बनानी है तो मुझे यहाँ से यहाँ तक 15 सेकंड तक ले लेना है। फ्रेंड्स 15 सेकंड लेने के बाद आपको सिंपली इस वाले पे क्लिक करना है लेयर पे और आपको यहाँ पे कैची का निशान आएगा, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से राइट वाला कर देता है क्योंकि मुझे 15 सेकंड तक की वीडियो बनानी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको बीच में अपना रिकॉर्ड भी डालना होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप यहाँ पे अगर साउंड इफेक्ट वगैरह कुछ यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ डाल सकते हैं। आपने जो भी डाउनलोड करके रखा है आपको सिंपली उस वाले फोल्डर में जाके आपको उस साउंड इफेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आपको सिंपली प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ से साउंड इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और इसे जहाँ भी यूज़ करना है और जहाँ तक कि आपको साउंड इफेक्ट जरूरत है मेन आपको सिंपली वहाँ तक लगा लेना है।
तो यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए बस ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लगा लिया है साउंड इफेक्ट को। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप अपना रिकॉर्डिंग कुछ डालना चाहते हैं तो आपको सिंपली ऑडियो वाले पे क्लिक करके आपको सिंपली फोल्डर में से आपको अपना रिकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर लेना है। आपने जो भी रिकॉर्ड करके रखा हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको सिंपली प्लस आइकन पे क्लिक करके रिकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने अपना वीडियो कंप्लीट कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी पुराने वाला कोका वाला सॉन्ग चालू होगा, फिर इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे स्लैप पड़ेगा और यहाँ से मैं कुछ बोलूँगा यहाँ पे, और इसके बाद फिर नया वाला कोका वाला सॉन्ग चालू हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो आप यहाँ से बना सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने बस एग्जांपल के लिए कोका वाला सॉन्ग लिया है, आपको कुछ और लेना है तो ले सकते हैं। फिर इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह यूज़ करना है तो आपको सिंपली लेयर वाले पे क्लिक करना है और आपको सिंपली टेक्स्ट पे जाना है और आपको यहाँ कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। लिखने में फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ से जितना बड़ा छोटा करना चाहे आप लिख के रख सकते हैं। फिर इसके फ्रेंड्स इसे आप जितना बड़ा चाहे छोटा करना चाहे कर सकते हैं अपने हिसाब से, और आपको कोई इमेज भी लगानी है इस पर तो लगा सकते हैं। आपको सिंपली लेयर वाले पे क्लिक करके आपको मीडिया वाले पे जाना है और आपको यहाँ से कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेनी है, तो यहाँ से आप चाहे तो इमेज भी लगा सकते हैं। अब इसके फ्रेंड्स आपको सिंपली सेव वाले आइकन पे क्लिक करना होगा इसे सेव करने के लिए, और उसके फ्रेंड्स आपको यहाँ पर रिजोल्यूशन सेलेक्ट करना है, आपको मैं 720p रहने देता हूँ, और आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ से आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ से मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना होगा, इस सॉन्ग को अपने लाइक ऐप पे अपलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली अपने लाइक ऐप को ओपन करना होगा। फ्रेंड्स लाइक ऐप को ओपन करने के बाद आपको सिंपली वीडियो वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। जब आप फ्रेंड्स वीडियो वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो इसके फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको वो वीडियो मिल जाती है जो आप अभी आपने एक्सपोर्ट किया है, आपको सबसे ऊपर भी मिल जाता है, और आपको सिंपली नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो इस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से नेक्स्ट करना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ से हु कैन सी का एक ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको प्राइवेट पे क्लिक करना है। प्राइवेट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से पोस्ट कर देना है। जब आप इसे अपलोड करते हैं तो इसके बाद फ्रेंड्स आगे भी आपको कुछ काम करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है। अब आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली उस वाले पे क्लिक करना होगा, और फ्रेंड्स ये वीडियो अभी प्राइवेट में सेव हुआ है, यानी कि आपकी वीडियो को अभी कोई नहीं देख रहा है। अब आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली यहाँ पे एक ऑडियो का जो ये दिख रहा है, अब आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका ओरिजिनल म्यूजिक बन जाता है। तो फ्रेंड्स आपका म्यूजिक यहाँ से बन गया है अच्छे से। अब आपको यहाँ से पेंसिल का आइकन दिख रहा है और आपको यहाँ पर टाइटल देना है अपने म्यूजिक का, तो यहाँ दे सकते हैं या फिर आप इसे यहाँ तक छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स जब आप इस म्यूजिक को अपलोड करेंगे तो फ्रेंड्स इससे आपका ही फायदा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपका म्यूजिक अगर अच्छा होता है तो फ्रेंड्स इस पर कोई भी बंदा अगर वीडियो बनाता है तो इससे आप ही फेमस होंगे, क्योंकि इसमें आपका ही म्यूजिक ओरिजिनल लगा हुआ है। अब कोई भी बंदा अगर आपको जैसे मेरा आशीष है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ से आपकी सिंपली प्रोफाइल में आ जाएगा और आपको यहाँ से फॉलो भी कर लेगा। अब देखिए फ्रेंड्स इस म्यूजिक पर वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ज्वाइन के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप फ्रेंड ज्वाइन के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप सिंपली वीडियो जैसे शूट करना चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं। आपका म्यूजिक तो रेडी बन चुका है, अब आपको उसके हिसाब से एक्टिंग वगैरह भी कर लेनी खुद से, आपको जो भी एक्टिंग करनी है आप उसके हिसाब से कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपको वीडियो को सिंपली शूट कर लेना है, आपको जो भी एक्टिंग वगैरह करनी है कर लीजिएगा। फिर इसके फ्रेंड्स आपको सिंपली टिक पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे फिर से नेक्स्ट करना है और आप यहाँ से पोस्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपकी वीडियो अपलोड हो चुकी है और आपके खुद के सॉन्ग पे, तो यहाँ से आप जो भी एक्टिंग वगैरह करना चाहे आप कर सकते हैं। और कोई बंदा आता है अगर आपकी म्यूजिक अच्छी दिखती है तो फ्रेंड्स आपको सिंपली वो बंदा सिंपली इस पर क्लिक करेगा और यहाँ से आपको जॉइन पे क्लिक करके वो वीडियो बनाता चलेगा, और यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कितने बंदे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से आप खुद का अपना ओरिजिनल म्यूजिक बना सकते हैं और इससे आप खुद ही फेमस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में टाइम बताया था, आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से एक अपना खुद का म्यूजिक बना सकते हैं या किसी भी म्यूजिक को मिक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपकी वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं, और फ्रेंड्स अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसको जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बताएं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो चलेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।